दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ASRS के बारे में। सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्या है। सिंपल वे में स्टोरेज किसी चीज को रखना, किसी चीज को स्टोर करना, वो होता है हमारा स्टोरेज। ऑटोमेटिक मींस अपने आप, जिसमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं होती, वो है ऑटोमेटिक टाइप स्टोरेज। रिट्रीवल सिस्टम, रिट्रीवल सिस्टम मींस रिट्राइवल ऑफ मटेरियल्स। रिट्रीवल ऑफ मटेरियल से मीनिंग क्या है कि दोबारा रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में बार बार मटेरियल्स को रखना होता है, बार बार जो हमें स्टोर करना होता है, एक प्रकार की पुनर्प्रणाली, एक प्रकार की बार बार रिपीटेड प्रणाली। अब समझते हैं यहां से कि ये कंप्लीट क्या है। ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ये एक फुली ऑटोमेटिक स्टोरेज टाइप सिस्टम है। फुली ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम से मीनिंग जिसमें जो स्टोरेज हम पार्ट्स की करते हैं, कंपोनेंट्स की करते हैं, वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक टाइप होती है। इसमें ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे, जैसे अबव पिक्चर में देख सकते हैं, एक साइड में यहाँ पे ये रैक लगे हुए, दूसरी तरफ यहाँ पे ये रैक लगे हुए, इसमें ये इंडिविजुअल स्पेसिंग है। इन स्पेसिंग्स के अंदर हम डब्बे रखने हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पार्ट्स रखने, तो वो पार्ट्स यहाँ पे रखते हैं, लेकिन मैन्युअली नहीं रखे जाते, यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से रखे जाते हैं, रोबोटिक आर्म की सहायता से रखे जा सकते हैं, जाते हैं। नीचे के जो पोर्शन है, यहां भी आप देख सकते हैं नीचे की पिक्चर में, ये जो यहाँ पे एक रोबोटिक टाइप मशीन है, इस मशीन की सहायता से, एक रोबोटिक आर्म की सहायता से यहाँ पे पार्ट्स रखे जाते हैं, यहाँ पे लॉट रखे जाते हैं, या बात करें तो एक प्रकार के डब्बे रखे जाते हैं। इसमें जो है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टोरेज के लिए। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे किस पर्पज से होती है? ह्यूमन की रिक्वायरमेंट केवल इसमें इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आउटपुट जो आती है, आउटपुट के रूप में जो हमारे पास आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता होती है। तो ये होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम। अब समझते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल जो सिस्टम है, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है ASRS सिस्टम को यूज करने का। साथ ही इनमें समझेंगे हम ASRS सिस्टम को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। सबसे पहले इसके उद्देश्य की बात करते हैं। ये एक्यूरेसी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। एक्यूरेसी के लेवल को इंक्रीज किस प्रकार करते हैं, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए कि एक्यूरेसी का जो लेवल है उसको इंक्रीज करें, और एडवांटेज हमें क्या मिलता है, एक्यूरेसी के लेवल को ये बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एक प्रकार की आर्म है जो बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में यहाँ पे रखती है। अब जो स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंग इस रोबोटिक आर्म को तैयार किया जाता है, मशीन को तैयार किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर उसी स्पेस में रखेगी। यदि यहीं पे हम बात करें तो ह्यूमंस की सहायता से इसको हम रखते तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती वो यही आती कि यहाँ पे रखने में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता, स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी जब दूसरा कंटेनर हम रखते, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अदरवाइज एक्यूरेसी के जो लेवल है उसको इंक्रीज तभी करती है जब हम ASRS सिस्टम को यूज करें, इट मींस विदाउट ह्यूमन के। दूसरा है इंक्रीमेंट इन वर्क स्पीड। जो काम है उसमें जो लगातार जो गति बनी रहती है वो हमारे ASRS सिस्टम की सहायता से बनी रहती है। अदरवाइज ह्यूमंस जो है वहां पे उनको आराम भी चाहिए कुछ समय के लिए, तो वो जो बीच का गैप है, वो जो आइडल टाइम है, वो इन मशीन्स में नहीं रहता। यहाँ पे तो लगातार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में काम चलता रहता है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जो लेबर की कॉस्ट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की बहुत ही ना के बराबर रिक्वायरमेंट होती है, केवल आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ती है। या फिर बात करें तो जो मेन ह्यूमंस है वो इंजीनियर्स लगा लीजिए, या मेन जो जरूरत पड़ती है वो एज ए इनपुट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है बेटर बेटर सर्विस फॉर कस्टमर्स। आप जब पार्ट्स को इनकी सहायता से रखते हैं तो वो
बिल्कुल स्क्रैच फ्री रहते हैं, उन पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज कंपैरिजन टू ह्यूमंस, क्योंकि जब हम रखते हैं तो ह्यूमन एरर आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो मशीन है उस पे हमने जो फीडबैक प्रोवाइड की है, उस पे हमने जो इनपुट प्रोवाइड की है, तो वो इनपुट लगातार एक जैसी चलेगी, इसीलिए वहां पे चांसेस है कि एज कंपैरिजन टू जब हम वहां पे ह्यूमंस का यूज कर रहे हैं तो वो जो पार्ट है वो बेटर तरीके से कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है एएसआरएस सिस्टम की सहायता से। नेक्स्ट है इंप्रूव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे ना चोरी के चांसेस हैं ना और कुछ, क्योंकि हम एक बार इन मशीन्स को एएसआरएस टाइप जो मशीन्स हैं इनको एक बार इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वही अपना फंक्शन करते हैं, जबकि ह्यूमंस जो है वो वहां पे डिफरेंट वर्क भी हो सकता है। इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ स्टोर, जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलरली रैक तैयार करते हैं, लिया और वैसे ही नहीं रख दिया, रैक तैयार करते हैं तो ये जो एएसआरएस सिस्टम के जो मशीनें यूज करते हैं वो मशीन्स पर्टिकुलरली जगह पे बार बार उसी एरिया पे पुट करती है, तो उसके लिए जो स्पेसिंग हम बनाते हैं वो 100% ऐसी होती है कि जो प्लांट की कैपेसिटी है उसमें ये सिस्टम लगा करके प्लांट की कैपेसिटी को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है। अब समझते हैं जो एएसआरएस सिस्टम है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ऐसा नहीं है कोई भी सिस्टम उसके फुली एडवांटेज रहेंगे या फिर बेनिफिट रहेंगे, कुछ ऐसा भी है कि उनमें डिसएडवांटेज भी होते हैं। अभी हमने बात की कि यहां पे ह्यूमंस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ह्यूमंस की कोई आवश्यकता नहीं है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो रोजगार की आती है, तो ह्यूमंस को रोजगार नहीं मिलेगा, तो इट मींस एम्प्लॉयमेंट लगातार रिड्यूस होता जाएगा यदि इसी प्रकार मशीनीकरण चलता रहा तो। तो ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि लगातार मशीनीकरण से जो एम्प्लॉयमेंट में कमी आती जाएगी, जो रोजगार में कमी आती जाएगी, यदि उनको बढ़ाना है तो हमें ह्यूमंस ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए एएसआरएस सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि एम्प्लॉयमेंट में कमी करते जा रहे हैं ये ऑटोमेटिक टाइप सिस्टम्स। दूसरा, इनिशियल जो कॉस्ट है वो इनकी हाई रहती है, जैसे हमने पीछे समझा था कि लेबर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, तो डेफिनेट सी बात है जहां पे लेबर यूज नहीं होगा तो वहां तो लेबर की कॉस्ट लगेगी नहीं, लेबर की कॉस्ट रिड्यूस ही होगी। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आम आदमी इस प्रकार की चीजें सोच नहीं सकता, लेकिन यदि ह्यूमंस की सहायता से कोई वर्क करे, कोई इस प्रकार की स्टोरेज करे तो इंसान सोच सकता है, लो इन्वेस्टमेंट में भी आसानी से कोई वर्क कर सकता है। लेकिन जब बात करें हाई इन्वेस्टमेंट की तो हाई इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसा होगा और तभी ऑटोमेटिक टाइप सिस्टम्स लगा सकता है, तो यही दूसरा डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट इनकी हाई रहती है। लास्ट है चेंज इन स्टाइल आल्सो रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट, यदि हमें कोई स्टाइल चेंज करनी है, हमें रैक्स के अकॉर्डिंग या मशीन जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना है तो चेंज करने के दौरान भी इसमें जो कॉस्ट लगेगी वो बहुत ज्यादा लगती है। ये होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सिंपल फिगर में यहाँ पे मैंने आपको समझाया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि हम इसको राइट किस प्रकार करें एग्जाम में, तो इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे ये एक साइड का व्यू है, एक साइड के व्यू के अकॉर्डिंग ये रैक है, वहां पे उनके लिए जो कंटेनर हमें रखने हैं या जो प्रोडक्ट हमें रखने हैं उनके लिए ये छोटे छोटे रैक टाइप बना दिए, इनसाइड छोटे छोटे बॉक्स टाइप बना दिए। यहां से ये जो सिस्टम है ये एक प्रकार का जैसे कन्वेयर बेल्ट रहती है, कुछ उसी से मिलता जुलता रहता है, क्योंकि कन्वेयर सिस्टम क्या होता है, एक जगह हम उसमें मटेरियल रखते हैं और दूसरी जगह वो अपने आप ट्रांसफर होता है, तो यहां भी ऐसा ही है कि यहां से मटेरियल को रखेंगे और ये लगातार चलती रहती है और यहाँ पे पहुंचाती है, जो हमारी मशीन रहेगी उस मशीन पे पहुंच जाएंगी और फिर वो मशीन इनके सेंटर्स में जाएंगी तो वो दोनों तरफ रखती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार ये मैंने आपके सामने बना दिया है। तो ये होता है एएसआरएस क्या है, ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम क्या है, उसके बेसिक जो है क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू दोस्तों।